तो आज की वीडियो में मैं आपको एक PSD फाइल देने वाला हूं, जिसको आप आसानी से एडिट करके अपने YouTube का जो कवर है उस पे आप लगा सकते हैं और थोड़ा सा प्रोफेशनल अपने चैनल को बना सकते हैं। तो आजकल बहुत सारे दोस्तों ने YouTube चैनल बनाना स्टार्ट किया हुआ है, तो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा भी है कि हमें YouTube कवर बना दो। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक ही कवर को बार बार सबको बना के देता रहूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक PSD दूंगा, जो आप खुद दो तीन क्लिक के जरिए आप अपना कवर जो है प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हैं और डिज़ाइन करके वहाँ पे लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो यहाँ पे मैं अपने डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक PSD फाइल है, जिसको हम यहाँ पे लॉक भी लगाएंगे यानी पासवर्ड लगाएंगे, वो इस वीडियो में आपको बता दूंगा जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और ये कुछ इस तरह से है। मैं Ctrl 0 से इसे फिट कर देता हूँ, और उसके बाद इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैसे बनाना है और इसमें क्या क्या मैंने यूज़ किया हुआ है। तो इसका साइज़ तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, अब हमने करना है इसके ऊपर डिज़ाइन। तो डिज़ाइन कैसे करेंगे, सबसे पहली लेयर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेयर है, सबसे पहली लेयर है, उसके ऊपर उसका साइज है। और यहाँ पे दूसरी लेयर है, उसके ऊपर हमने कुछ नहीं किया, एक सिंपल सा कलर करके उसका जो है कलर चेंज कर लिया। आपको जो पसंद आए वो कलर रख लें, वरना मैं एंड में आपको बताऊंगा कि आप सारी पिक का कलर चेंज कैसे कर सकते हैं। और उससे ऊपर वाली लेयर में हमने दो कलर के डॉट्स लगाए हुए हैं साइडों पे, और उसके ऊपर हमने लगाया हुआ है जो इसका, मैं बैक करके दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, ये वाला जो उसका साइज है ना, साइज के ऊपर ऊपर एक लाइन लगा दिए, जो हमें हम जब अपलोड करेंगे इसको कवर को, तो ये इतने इतना हमें नजर आएगी। तो ये इतना काम हो गया हमारे पास। उसके ऊपर हमने लगाया है यहाँ पे, ये दो चीज़ें किसी काम की नहीं है। उससे ऊपर एक थोड़ी सी ब्लैक कलर की लाइन लगाई हुई है, ये आप चाहें तो लगा लें, ये थोड़ा लाइन के मदद से उसका थोड़ा सा साया बन जाता है। तो उसके ऊपर उस पे वाइट कर दिया है हमने, वाइट से उसकी लाइटिंग लगाई है। लाइटिंग क्या किया है कि सिंपल सा आपने कलर लेके, वाइट कलर लेके उसको एक बार लगा के साइडों से स्मूथ रख के और साइडों से खींच दिया, सिर्फ इतना सा हमने काम किया है। तो इसमें आपने चैनल का नेम, और यहाँ पे मैं चैनल का नेम यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि हमारे पास है क्या क्या। उसके बाद चैनल का नेम है, नीचे आपने चैनल के बारे में लिखना है आपके चैनल में है क्या। उसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया का लिंक है, इतना सिंपल सा ये है। तो सबसे पहले मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ नाम पे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ तो इसमें आप चाहें स्पेस दे लें या आप इकट्ठा लिख लें, तो मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। और नीचे हमारा क्या, किस चीज़ के बारे में चैनल, उसकी थोड़ी सी टैग लाइन जिसे कहते हैं वो आप लगा दें। तो यहाँ पे आप जो, आप जिसके बारे में आपका चैनल है तो आपने वो लिखना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया, और इसको मैं अब कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे मैं कोई वर्ड देख लेता हूँ छोटे बड़े करने। उसके बाद मैं इसको Ctrl T करके सिंपल सा इसके बराबर कर दूंगा। तो ये होगी हमारी टैग लाइन। तो उसके बाद सोशल मीडिया के लिंक है, सोशल मीडिया का ये अलग से फोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर आपको सोशल मीडिया का जो आइकॉन है, अगर आइकॉन चेंज करने, वैसे तो ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं, अगर आप फिर भी चाहें तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन तो अब हमने इसके जो है ये नाम जो है इसको चेंज करना है, तो ये आपने बिल्कुल सही वाला नाम लिखना है, ताकि अगर कोई यहाँ से देख के आपके चैनल पे आना चाहे तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ट्विटर का कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ट्विटर का सर्च किया, तो यहाँ पे मेरे पास एक लिंक बना हुआ है। मैं क्या करता हूँ कि स्लैश के आगे वाले वर्ड्स को कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे स्लैश के आगे वाले वर्ड्स को मैं कॉपी करता हूँ सिर्फ, और Ctrl C करके वापस अपनी जगह पे आ जाता हूँ। तो इस पे डबल क्लिक करता हूँ और इस पे पेस्ट कर देता हूँ। और इसको मैं क्या करता हूँ कि अगर
मैं इसको साइडों से इस तरह से पकड़ के कर देता हूँ, और आपने शिफ्ट क्लिक करना है अगर आपके पास न्यू वर्जन है तो। शिफ्ट से ये होगा कि आपके जो है इस तरह से थोड़ा सा टैक्स हो जाएगा, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अब ये मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये अभी भी कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा इसी तरह लगता है। अगर आप चाहें तो एक वर्ड ऊपर कर लें एक उससे नीचे, लेकिन उस तरह से प्रोफेशनल तो नहीं लगेगा। और उसके बाद अब मैं चेंज करता हूँ इंस्टाग्राम का, तो इंस्टाग्राम का कैसे चेंज करना है। तो ये हमने दिए लगा, अगर आपको इस तरह से पसंद नहीं आते, आप क्या करेंगे इन तीनों चीज़ों को पकड़ के इस तरह लगा के इसके आगे लिख रहे हैं, इस तरह आपके पास बहुत सारी जगह बन जाएगी। तो ये है हमारी PSD फाइल, तो इसको मैं अब करता हूँ सेव, और सेव करने के बाद इसकी तस्वीर भी सेव कर लेते हैं, कहीं काम आ जाएगी, देख के ही हमें पता चल जाएगा कि इसका डिज़ाइन क्या है। तो सेव आपने सिंपल इस तरह करनी है, और इसी तरह फुल में आपने अपलोड करनी है। तो अब इसका आ गया कलर, तो इसका अब आपने कलर कैसे चेंज करना है, आपने क्या करना है, सबसे पहली लेयर पे क्लिक करना है और सेकंड लास्ट पे क्लिक करना है, आखिरी वाली पे क्लिक नहीं करना। वो हमारा जो था वो लैदा चीज़ थी जो हमने डिज़ाइन किया, वो ये चीज़ है। तो आपने इस पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है, मैं यहाँ पे दोबारा राइट क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखा है मर्ज लेयर, तो मैं मर्ज लेयर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक बन चुकी है। तो अब इस एक बन गया, आप कंट्रोल जे से इसकी कॉपी ले ले ताकि आपके पिछले वाले जो काम है वो ख़राब ना हो। उसके बाद आपने करना है कंट्रोल यू, कंट्रोल यू जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे जैसे ही चेंज करूँगा आप देखिएगा, ये देखें जैसे मैं कलर चेंज करता हूँ तो पूरी पिक के कलर चेंज हो रहे हैं। तो आपको जो कलर पसंद आए आप वो रख लें, तो वो रखने के बाद ओके कर दें, और सिंपल सी बात है, जैसे आप ओके करेंगे तो वही कलर वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से इसके कलर चेंज होते हैं। तो इसको अब हम करते हैं लॉक, तो मैं इसको वापस कर लेता हूँ सारा। तो ये हमारी PSD रही, ये इसका कवर का जो है पिक डिज़ाइन रहा। तो इसको आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस PSD के अंदर ये वाली चीज़ होगी। अब इसको लॉक करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि और यहाँ पे मैं ज़िप सिलेक्ट कर देता हूँ। ज़िप इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास विनरार नहीं है इंस्टॉल तो तब भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेट पासवर्ड पे हम पासवर्ड लगाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर एक वेबसाइट है फोटोशॉप, तो मैं इस पर चला जाता हूँ। इस पर जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर डाउनलोड में जाते हैं हम, और यहाँ पर पासवर्ड है, पासवर्ड पर क्लिक करते हैं, और इस पासवर्ड को हम सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते कंट्रोल सी से, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। इसके आगे हमने 1 लिख दिया और हम इसको पासवर्ड लगा देते। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इस पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड आपको बता दिया और आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इस तरह का और डाटा चाहिए हो तो मेरी वेबसाइट पर सारा डाटा पड़ा है, और साथ के साथ मेरे पास और बहुत सारा डाटा है जो मैं साथ के साथ इसको अपलोड करूँगा। तो वीडियो बनाते जाऊंगा, अपलोड करता जाऊंगा, ताकि आप उसमें चेंजिंग करना भी आ जाए। मैं यहाँ पे ओरिजिनल फाइलें सेंड करता हूँ अपनी वेबसाइट पे, कोई भी फेक फाइल नहीं होगी, सारी फाइलें काम करेंगी। बस ये होगा कि पासवर्ड लगाओगे, पासवर्ड के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक कर लें, और अगर इस तरह की और वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।